बल और बुद्धि का जोड़ा होता है। बल बुद्धि पे हावी नहीं हो सकता, बुद्धि विवेक ऐसा बुद्धि के अनुसार चलना होता है। इसलिए अधर्म की परिभाषा इस बात से जुड़ी गई है कि जब बल विवेक और नीति पे हावी होने लगे तो समझ लीजिए अधर्म का बोलबाला है। क्योंकि बल जो है नीतियों को लागू करने के लिए होता है, रक्षा के लिए होता है। और जब बल आपकी रक्षा ना करके नीति बन जाए, जैसे हम कहेंगे वैसे होगा, कोई नियम कानून नहीं, हा हा हा, हा मैं रावण हूं, कोई नारायण नहीं है, ये बल और अहंकार। दूसरा एक बात मैं और कहना चाह रहा था, अगर हम पूरे जीवन भर ये सोचें कि आखिर किस किस बात पे हमें अहंकार हुआ, तो ये पाएंगे अगर सोच के हर रोज आदमी सोच ले अपने दिन भर की बातों को, या तो चार महीने पहले कभी भी अहंकार हुआ होगा ये सोच ले, तो ये कहेगा क्या मैं अहंकार करने लायक था या थी? मेरे से तो और बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास मुझसे ज्यादा वो गुण है, हुनर है, चीजें, शोहरत, दौलत सब है, वो तो अहंकार करने नहीं, मुझे में क्यों आया? अगर आदमी ये आकलन करने लग जाए ना कि पिछले अहंकार हुआ था तो क्या मैं इस लायक हूं, तो अपने से बहुत ऊंचे लोगों को ये पाएगा कि उनमें हमसे इतना ज्यादा है, उनमें तो है नहीं अहंकार, मुझ में क्यों आया? इससे भी अहंकार का विनाश होता है। हम अपना आकलन करते नहीं, क्या हमें अगर अहंकार नहीं जा रहा आपसे, तो अहंकार का अवलोकन करके, आकलन करके उसका करो कि हमें जो अहंकार आ रहा है वो सच में सही आ रहा है, अहंकार तो सही होता ही नहीं। फिर अपने आप से करो आकलन, क्या हम सच में लाया कि हमारे जैसा कोई नहीं है जो हम ही अहंकार कर सकते, सुंदरता पे, शोहरत पे, दौलत पे, ज्ञान पे, शरीर पे, आंखों पे, हंसी पे, मुस्कुराहट पे, जादू पे, जो भी जितनी भी चीजें हैं जिसमें हम अहंकार कर सकते हैं, तो सब नश्वर। तो ये समझ में आएगा हमसे तो बहुत ज्यादा औरों के पास है, उनमें नहीं तो हम में क्यों अहंकार आया? तो ये एक प्रैक्टिकल उसका हाल हो जाएगा कि नहीं करना चाहिए। गुस्से का भी ऐसे ही करना चाहिए, गुस्सा आ जाए तो जब दिमाग ठंडा हो जाए तो सोचना चाहिए कि क्या ये गुस्सा मुझे ठीक आया, क्या इस बात पे मेरे अलावा कोई और होता उसको भी गुस्सा आता, ये गुस्से से नुकसान क्या क्या हो सकते थे। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, फिलहाल मेरा टॉपिक तो ये था कि जब नीति पे, नीति मतलब विवेक, नीति मतलब सत्य, जब सत्य पे बल हावी हो जाए, होने लगे, जब रक्षकों से भी डर लगने लगे, समझ लीजिए अधर्म का घड़ा भर रहा है। जब न्यायालय में न्याय ना मिले तो हाथ यूं की जगह जब यूं उठने लगे, हे प्रभु कहां हो, समझ लीजिए अधर्म का घड़ा भर गया।